हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु IAS. ए वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन. और स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज. राइट, तो पंजाब सिविल सर्विसेज के बारे में स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा एग्ज़ाम होगा 2024 के अंदर. राइट, तो उसी पे हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट की. टेस्ट सीरीज़ को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत डाउट रहते हैं कि मैम कब स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें. राइट, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ही करनी है टेस्ट सीरीज़, जब सब कुछ पढ़ ही लिया है फिर क्या ज़रूरत है. ठीक है, एक फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ क्यों करनी है, किसी बुक से ही लेकर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, क्या ज़रूरत है कहीं और से टेस्ट सीरीज़ यू नो किसी इंस्टीट्यूशन से ज्वाइन करने की. तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इन सब चीज़ों को आज यू नो एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट अप्रोच के साथ इस चीज़ों को हम समझेंगे आज. ठीक है, तो ओके ओके स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इवन बोल भी रहे हैं कि मैम नोटिफिकेशन तो आ नहीं रही है, आप क्यों ऐसे वो कर रहे हैं. तो एक चीज़ समझो स्टूडेंट, अगर मैं लास्ट 6 मंथ से मैं नहीं रुक रही हूँ, है ना, मैंने हार नहीं मानी तो आप क्यों मान रहे हो. सोचने वाली बात है ना, कि एक टीचर तो आपको बार बार मोटिवेट कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपको बार बार बोल रहा है. राइट, आपको बार बार वो कह रहा है कि प्रिपरेशन कीजिए, करिए करिए, ये पढ़िए, ऐसे पढ़िए, इस तरीके से पढ़ना है, ये तैयारी करनी है, ऐसे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. आप नहीं करोगे स्टूडेंट, आप ही ये सोच लोगे कि नहीं बोलने दो, जो होता है हम अपने आप देख लेंगे, या हम तो प्रिपरेशन करेंगे ही नहीं. ठीक है, अभी बहुत टाइम हो गया है. तो स्टूडेंट, अगर आप ऐसे नेगेटिव थिंकिंग्स थॉट्स अपने माइंड में लेकर आओगे, फिर तो स्टूडेंट काम कैसे चलेगा, है ना. फिर तो आपने पहले ही तय कर लिया है, हथियार उठाने से पहले ही आपने सोच ही लिया है कि हाँ जी हार तो मेरी पक्की है, है ना. तो आप हार तो पहले ही मान के बैठे हो. राइट, तो स्टूडेंट ऐसी अपने मन के अंदर यू नो अपने अंदर ऐसी माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए. राइट, कंटिन्यू लगे रहिए. मैं ऐसे नहीं कहती कि आप अपना सारा काम छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ PPSC ही कीजिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने, किसी वीडियो में नहीं बोला स्टूडेंट. बस आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, ग्रेजुएशन कर ली है तो आप मास्टर शुरू करके उसके साथ कर लीजिए. अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ दिन में 1 घंटा 2 घंटे आप निकाल के पढ़ लीजिए. मैं तो आपसे इतना ही बोल रही हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपसे एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही हूँ. ठीक है, ओके. हाँ, अगर आपको फुल फ्लेज तैयारी करनी है देन मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम है नहीं. ठीक है जी, ओके ओके, ठीक है. तो बात करते हैं स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ की. तो देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है. राइट, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कि प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या उसको अटेम्प्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस पे बात करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज की क्या इम्पॉर्टेंस है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी. ठीक है, तो करते हैं. ठीक है जी, सबसे पहले स्टूडेंट, कोई भी आप टेस्ट देते हो, कोई भी आप यू नो टॉपिक कवर करते हो, कोई भी XYZ कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई चैप्टर करते हो, अगर उसके बारे में हमें श्योर होना हो कि हाँ जी ये टॉपिक मेरा बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है या चैप्टर रेडी हो गया है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उससे रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस करके देखो, या फिर अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस का हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं. तो आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए. अच्छा, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा बच्चों का कि मैम MCQ तो कहीं से भी रेंडमली उठा के कर लेते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ क्यों लगानी है, वाई टेस्ट सीरीज़. तो सी हेयर स्टूडेंट, जब भी मान लो फॉर एग्जांपल आपने एक सब्जेक्ट रेडी किया, आपने फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी या NCERT पढ़ी, आपने पॉलिटी कम्प्लीट कर ली है, तो स्टूडेंट जब आपका आप एक फुल या सेक्शनल वाइज जब आप उसका टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, सेक्शनल वाइज जब आप उसका टेस्ट लगाते हैं, वो भी 2 आवर का, मान लो आपके जो टेस्ट है उसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं वहाँ से, तो जब आप 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं स्टूडेंट, तो आप एक एक टॉपिक को, एक एक आप करीब करीब 100 टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करते हो उस टेस्ट के थ्रू.
सेकंड चीज स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है वो ये होता है स्टूडेंट, देखो सबसे ज़्यादा सेकंड जो इसका बेनिफिट होता है स्टूडेंट, पहला तो आप 100 टॉपिक्स रिवाइज करते हो, दूसरा आपका टाइम मैनेज होता है, पेपर में बैठने की आपको हैबिट होती है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करने आते, थर्ड थिंग स्टूडेंट आप जो है अपनी वीक एरियाज़ के बारे में आपको पता चलता है कि कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा अच्छे से रेडी नहीं है, जिसको आप दोबारा से खोल के पढ़ते हो। ओके, ये बात क्लियर हुई। फोर्थ थिंग स्टूडेंट, फोर्थ क्या है आपका, यहाँ पे आपको एक आपको ये पता चलता है वे पता चलता है आपको, एक तरीका पता चलता है, एक मेथड पता चलता है स्टूडेंट कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से उसकी चार स्टेटमेंट सेट होती हैं, किस तरीके से नीचे ऑप्शन सेट होते हैं, उनको एलिमिनेट कैसे करना है, उनको किस तरीके से ऑप्शंस किस तरीके के ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शन सही होते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोविंग्स आते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चन से आप फैमिलियर होते हो, तो ये सब बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट एक टेस्ट सीरीज के। समझ में आया? तो फिर से हम इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं। पहली चीज़ देखिए, हाँ जी, पहली चीज़ देखिए आप यहाँ पे, वन सेकेंड, फर्स्ट थिंग देखिए आप यहाँ पे, पहली चीज़ देखिए, पहली चीज़ क्या बेनिफिट हुए टेस्ट सीरीज़ के, क्या बेनिफिट हुए, क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट अगर आपने 100 MCQ लगाए तो आप एक तरीके से स्टूडेंट 100 टॉपिक्स को आप रिवाइज करते हो। लिख लीजिए स्टूडेंट आप ये चीज़, ठीक है। सेकंड थिंग स्टूडेंट आपके प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करते हो आप, किस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, आपको पता चलता है मैच द फॉलोविंग, असर्शन रीजन को किस तरीके से सॉल्व करना है, इन सब की आपको पता चलती है। थर्ड थिंग स्टूडेंट आपको अपने वीक एरियाज पे काम करने का मौका मिलता है और उन पे आप जाके वर्क करते हो। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के चार सेक्शंस कवर किए, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, ठीक है, फिर आपने इसका फंडामेंटल राइट पढ़े, फंडामेंटल ड्यूटी आपने की, और प्लस आपने DPSP किए। फॉर एग्जांपल आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट में कवर किए गलत हुए, इसका मतलब फंडामेंटल राइट आपको रिवाइज करने की नीड है, यू नीड टू रिवाइज योर फंडामेंटल राइट चैप्टर। इज इट क्लियर, येस और नो? फोर्थ थिंग ये होती है स्टूडेंट जो आपको सबसे ज़्यादा पता चलती है, वो आपको पता चलता है आपका टाइम मैनेजमेंट करने की आपकी प्रैक्टिस आती है। ये बात क्लियर हुई आपको, यस और नो? तो टाइम मैनेजमेंट करना आप सीखते हो, ठीक है। तो जब आप एक टेस्ट सीरीज लगाते हो स्टूडेंट तो उससे आपका टाइम भी मैनेज होता है। कैसे? देखें, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 35 टेस्ट जो है उसकी टेस्ट सीरीज परचेज की, ठीक है, हर वीक में एक टेस्ट हो रहा है, वीकली एक टेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वन वीक के अंदर स्टूडेंट आपको वन वीक के अंदर जितने भी उस टेस्ट के ऊपर, मान लो आप सेक्शनल टेस्ट लगा रहे हो, तो जितने भी उस टॉप सेक्शनल टेस्ट के ऊपर जितने भी टॉपिक्स मेंशन होंगे आप उन सबको क्या करोगे, कवर करो उस वीक के अंदर। अगर करंट अफेयर का टेस्ट है तो मान लो उसके ऊपर 2 मंथ के करंट अफेयर लिखे, आप 2 मंथ के करंट अफेयर्स को क्या करोगे, कवर करोगे, और फिर आप उस टेस्ट को लगाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट 35 जब आपके टेस्ट पूरे होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा स्टूडेंट, आपका सिलेबस क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा।
क्योंकि आपने सब पढ़ लिया। उस टेस्ट के लगाने के साथ साथ आपने क्या किया, उस टेस्ट के साथ साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करके आपने क्या किया, 2-3 महीने में आपने सारे क्या कर लिए स्टूडेंट, क्या कर लिए आपने, टॉपिक्स कवर कर लिए, सारा सिलेबस आपने पूरा कर मारा, कर छोड़ा आपने, है ना। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है ना। तो टाइम मैनेज करके स्टूडेंट आप, टाइम मैनेजमेंट का वो नहीं है, ये बात समझ में आई स्टूडेंट आपको कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ के क्या क्या बेनिफिट हैं। दूसरे बेनिफिट हम बात करते हैं हमारे मेंस की, इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़ फॉर द मेंस, मेंस के लिए क्या क्या बेनिफिट है। तो पहली बात स्टूडेंट, मेंस में जो इसका फोरमोस्ट जो आपका बेनिफिट है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। कैसी, जब आप मेंस में लिखने की प्रैक्टिस करते हो वो बिल्कुल डिफरेंट है स्टूडेंट आपके प्रीलिम्स में। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस नहीं दिए हुए, आपको बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको लिखना है। मान लो पहला टेस्ट आपका पॉलिटी का है, तो अब पॉलिटी के अंदर आपको टॉपिक्स इस तरीके से रेडी करने हैं कि आपको उसमें रिटर्न फॉर्म में आप उस क्वेश्चंस को लिख पाओ, ठीक है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि पहले टेस्ट में आप, अगर मान लो 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आप सब कर ले जाओ, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं। पहले टेस्ट में हो सकता है कि आप जो है 6 to 7 क्वेश्चंस आप लिख दो, वो भी टूटे फूटे, कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नो इशू, ठीक है। बट जब आप सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फोर्थ टेस्ट, फिफ्थ टेस्ट, सिक्स टेस्ट, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, जब आप पूरे करते जाओगे, आपके टेस्ट क्या होते जाएंगे, आपका सिलेबस जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगा, आपका मेंस का सिलेबस प्लस आपके टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स आपके रेडी होने शुरू हो जाएंगे, आपके पास कंटेंट रेडी होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा, कंटेंट जो है वो आपका आपके नोट्स में बनना शुरू हो जाएगा फॉर द मेंस, फॉर द मेंस, क्लियर आपको ये बात, यस और नो, ठीक है जी। अच्छा, और क्या बेनिफिट है मेंस में, तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे मेंस में क्या क्या बेनिफिट है। तो देखिए बच्चे, मेंस में पहला तो जैसे मैंने आपको समझाया टाइम मैनेजमेंट, दूसरा आपको प्रैक्टिस करनी आती है, आप लिखना सीखते हो स्टूडेंट, लिखना सीखते हो आप, राइट। थर्ड थिंग, आपके पास कंटेंट रेडी होना शुरू हो जाता है, मॉडल आंसर से टॉपर की कॉपीज देख के आप कंटेंट मेकिंग काम शुरू कर देते हो फॉर द मेंस पर्पस। फोर्थ थिंग, आपका बहुत सारा जो यू नो एक तरीके की जो मेंस से रिलेटेड आपके वीक एरियाज हैं वो आपका स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो देयर वी डिस्कस अबाउट वीक एरियाज। वीक एरियाज में जस्ट लाइक मैंने आपको पेपर बताए थे कौन कौन से पेपर सबसे पहले रेडी करने चाहिए, दैट इज अवर एसे एंड अवर जीएस पेपर 4। 2 सब्जेक्ट मस्ट प्रिपेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड प्रिपेयर योर दीज 2 सब्जेक्ट्स, इज दैट क्लियर, येस और नो, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स जीएस पेपर 1, 4, 2, 3, राइट, ओके। एंड जीएस पेपर 4 के जो भी रिमेनिंग पोर्शन है लाइक अवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अवर एनवायरमेंट, देन आप ये कर सकते हैं कवर, यस और नो, क्लियर आपको ये बात, इज दैट क्लियर, यस और नो। सो ये आपका बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट, आपके बेनिफिट्स हैं एक टेस्ट सीरीज के, ठीक है जी। तो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ आवर टेस्ट सीरीज। अब समझ में आया टेस्ट सीरीज क्यों करना जरूरी है स्टूडेंट,
तो टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे पहले वो आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाती है, दूसरा आपका कंटेंट रेडी होता है, तीसरा आपके वीक एरियाज़ कवर होते हैं, फोर्थ आपका स्केड्यूल बहुत अच्छे से बन जाता है, आप डिसिप्लिन मैनर से आप उसको कवर करते हैं। बट यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी आपको समझदारी से चलना पड़ेगा स्टूडेंट। पहली चीज़ स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज़ को कभी भी लाइटली मत लो, उसको डिले नहीं करना चाहिए, डिलेज मत करो स्टूडेंट आप टेस्ट सीरीज़ को, नेवर डिले योर टेस्ट, नेवर एवर, मतलब आपको उस पर स्ट्रिक रहना ही पड़ेगा, नेवर एवर डिले योर टेस्ट। टाइम पे स्टूडेंट आप टेस्ट दीजिए, तब जाके आपको बेनिफिट होगा, ये नहीं होगा कि आपने आज टेस्ट दे दिया फिर आप आज 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 ट्यूसडे है आपने नेक्स्ट ट्यूसडे टेस्ट नहीं दिया, आपने फ्राइडे दिया फिर उससे अगली बार आपने मंडे को दे दिया फिर उससे अगली बार आप नहीं। अगर आपका सिलेबस कवर हो चुका है तो आप क्या करोगे, आगे वाले टेस्ट का सिलेबस आप पूरा करना शुरू कर दे। हो सकता है अगला भाई अगले नेक्स्ट जो आपका टेस्ट हो उसका सिलेबस ज़्यादा हो, आप वीक में कर ही ना पाओ, तो उसको पहले करके रख लो, यस और नो? ठीक है, फिर आपको डेली अपना कंटेंट भी रेडी करना है, डेली आपको अपना नोट्स भी बनाने हैं, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली आपको क्या करना है, डेली आपको अपने नोट्स भी तो बनाने हैं, करंट अफेयर भी पढ़ना है, उसको रिवाइज भी करना है, फिर जो आपने पहले टेस्ट दिया होगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे टेस्ट को लेकर एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको, मेरे माइंड से स्किप हो ही गई थी ऑलमोस्ट, याद आ गई, हमेशा टेस्ट को जब भी आप टेस्ट दो, फॉर एग्जांपल आपने 2 आवर का टेस्ट दिया, 2 आवर टेस्ट दे के कभी भी उठो मत, उठना ही नहीं है, उसी टाइम उस टेस्ट को आप चेक कीजिए, चेक योर टेस्ट। ये मैं मेंस की प्रीलिम्स की बात कर, चेक योर टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, पीछे वाली साइड लिखते हैं इसको, चेक योर टेस्ट इमीडिएटली, यस और नो, क्लियर हुई है बात आपको? और उसके बाद उसके आंसर्स को आप उसी टाइम देखिए कि कौन सा आंसर आपका गलत है और कौन सा आंसर आपका सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, उसको आप एनालाइज कीजिए फटाफट, फिर आप उस टेस्ट को वाइंड अप करके रख दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने टेस्ट लगाया कल आप उसको देख रहे हो कि भाई गलत क्यों हो गए, ये क्वेश्चन गलत है, इतने गलत है, या आपने क्या किया, टेस्ट लगाया उसको देखा ही नहीं आपने, उसको चेक ही नहीं किया आपने कौन सा सही कौन सा गलत, आपको पता ही नहीं। क्लियर है ये बात आपको, यस और नो? क्लियर आपको ये बात कि टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ आपको टेस्ट सीरीज़ को आगे लेके जाना है? ठीक है बच्चे, ठीक है जी। तो ये था हमारा टेस्ट स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से यू नो मेंटेन करना है फॉर द प्रीलिम्स एंड मेंस, मैंने दोनों ही बता दिया स्टूडेंट, प्रीलिम्स के लिए भी बता दिया और मेंस के लिए भी बता दिया, ठीक है? ओके, ठीक है जी, आई होप कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 15th Jan, ठीक है, 15th Jan से हमारा पंजाब सिविल सर्विसेज का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 तरीके का बैच होगा, एक हमारा ग्रेजुएशन के बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए बैच है और एक हमारा अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, जो स्टूडेंट इस टाइम पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका वो भी हमारा PCS का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस शाम के टाइम पर होती हैं, दोनों मोड अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है प्लस ऑफलाइन मोड भी अवेलेबल है, तो आप जो मोड लेना चाहें अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल लेवल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आप कोई भी अप्रोच जो है उसको आप यू नो आप अपना सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी के साथ मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अच्छा,